Hey guys, what's up? So, देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा पार्टीज, शादीज, फॉर्मल ओकेशंस वगैरह विंटर के सीजन में होता है. और कभी कभी इन सब शादी पार्टीज, फॉर्मल ओकेशंस वगैरह में हम क्या आउटफिट पहन के जाए ये हमें समझ नहीं आता. इसीलिए आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको 10 विंटर आउटफिट्स बताऊंगा जिसे पहन के आप किसी भी पार्टी या शादी या किसी भी फॉर्मल ओकेशन में आप एक मॉडल से कम नहीं लगोगे. सो, पहले मैं आपको कैजुअल विंटर आउटफिट्स के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको फॉर्मल विंटर आउटफिट्स के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको इंडियन ट्रेडिशनल एथनिक विंटर आउटफिट्स के बारे में बताऊंगा. उससे पहले अगर आप लवडा की ये पहली वीडियो देख रहे हो तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए बनाता हूं जो भाई डार्क स्किन या सावले हैं, क्योंकि इस चैनल का मोटिव है कि मेरे तरह जितने भी डार्क स्किन या सावले लड़के हैं वो अपना बेस्ट वर्जन बन सके. तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दीपकशावऑफिशियल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. सो पहला आउटफिट है विंटर के लिए, वो एक ब्लैक या व्हाइट राउंड नेक टी शर्ट, उसके ऊपर एक लाइट ब्लू डेनिम जैकेट और पैंट में एक ब्लैक जीन्स और शूज में या तो व्हाइट शू या चेल्से बूट. ये आउटफिट सुनने में काफी सिंपल लग रहा है बट जब आप इसे पहनोगे तो ये पार्टीज वगैरह में काफी क्लासी लगता है. और ब्लैक या व्हाइट राउंड नेक टी शर्ट आप हाफ स्लीव वाला भी पहन सकते हो और फुल स्लीव वाला भी पहन सकते हो, दोनों में से जो भी पहनना, बट प्लेन और एक कलर वाला पहनना, उसमें कोई लिखावट या डिजाइन नहीं होना चाहिए वरना आउटफिट अट्रैक्टिव नहीं लगेगा. और इस आउटफिट में आप चाहो तो कुछ चेंजेस भी कर सकते हो, जैसे आप डेनिम जैकेट की जगह एक प्लेन ब्लैक चेन वाली हुडी पहन सकते हो. बट अगर आप इस आउटफिट में चेन वाली हुडी पहनोगे तो उसे पहन के आप पार्टीज वगैरह में मत जाना, पार्टीज वगैरह में चेन वाली हुडी उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती. बट हाँ, चेन वाली हुडी को पहन के आप मॉल, पार्क, सिनेमाज वगैरह जा सकते हो. दूसरा आउटफिट है एक ब्लैक या व्हाइट राउंड नेक टी शर्ट, उसके ऊपर एक ब्लैक बॉम्बर जैकेट या ब्लैक लेदर जैकेट और उसके साथ में ब्लैक या नेवी ब्लू जीन्स और शूज में व्हाइट शू या चेल्से बूट. ये आउटफिट भी एक क्लासी आउटफिट है. और इस आउटफिट में अगर आप ब्लैक टी शर्ट पहनोगे तो उसके साथ आप नेवी ब्लू जीन्स पहनना, और अगर आप व्हाइट टी शर्ट पहनोगे तो उसके साथ आप ब्लैक या नेवी ब्लू दोनों में से कोई सा भी जीन्स पहन सकते हो. अब इस आउटफिट में अगर आप बॉम्बर जैकेट पहनोगे तो ध्यान रखना कि बॉम्बर जैकेट में कोई डिजाइन या लिखावट नहीं होना चाहिए, प्लेन एक कलर वाला होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा उसमें हल्का सा पैटर्न. और अगर आप इस आउटफिट में लेदर जैकेट पहनोगे तो बाइकर लेदर जैकेट पहनना और वो भी ब्लैक कलर का. और जैकेट्स के बारे में मैंने रिसेंटली एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, तो अगर आपको बेस्ट जैकेट्स के बारे में पूरा डिटेल में जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर उस वीडियो को एक बार देख लेना. तीसरा आउटफिट है एक ब्लैक कलर का विदाउट चेन वाली हुडी, उसके ऊपर एक ब्लैक लेदर जैकेट या ब्लू डेनिम जैकेट और साथ में ग्रे कलर का जीन्स और शूज में एक प्लेन व्हाइट शू. ये आउटफिट विंटर में काफी स्टैंडर्ड लगता है. बट एक चीज का ध्यान रखना कि हुडी प्लेन होनी चाहिए, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, जैसे अडिडास, पुमा, नाइकी, और हुडी में कोई डिजाइन भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब हुडीज दिखने में बहुत ही खराब लगती है. और एक चीज कि अगर आप इस आउटफिट में हुडी के ऊपर लेदर जैकेट पहनोगे तो आप ग्रे कलर का जींस पहनना, बट अगर आप हुडी के ऊपर ब्लू डेनिम जैकेट पहनोगे तो आप ब्लैक कलर का जींस पहनना. और हाँ, एक चीज और कि अगर आप कोई भी आउटफिट के साथ जींस पहनोगे तो वो जींस सिंपल वाला पहनना, कटाफटा वाला जींस मत पहनना, क्योंकि पहली बात तो कटाफटा वाला जींस विंटर में दिखने में उतना खास नहीं लगता और दूसरी बात ठंडी ठंडी हवा आपके पैरों में लगेगी वो अलग, इसीलिए सिंपल जींस पहनना. चौथा आउटफिट है एक ब्लैक टर्टल नेक स्वेटर, उसके साथ में ग्रे कलर का जीन्स और शूज में चेल्से बूट. और इस आउटफिट को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप गले में एक कैमल कलर का स्कार्फ या मफलर लटका लेना. यकीन मानो पार्टीज वगैरह में ये आउटफिट काफी प्रीमियम लगता है. और एक चीज का ध्यान रखना कि देखो टर्टल नेक दो तरह के होते हैं, एक होता है टर्टल नेक टी शर्ट और एक होता है टर्टल नेक स्वेटर. टर्टल नेक टी शर्ट का कपड़ा थोड़ा पतला होता है और टर्टल नेक स्वेटर का कपड़ा थोड़ा मोटा होता है, तो इसीलिए अगर आप इस आउटफिट में टर्टल नेक टी शर्ट पहनोगे तो उसके ऊपर आप एक ब्लैक कलर का बाइकर लेदर जैकेट पहन लेना. बट इसी के उल्टा अगर आप टर्टल नेक स्वेटर पहनोगे तो आपको उसके ऊपर कोई जैकेट पहनने की जरूरत नहीं है. बट हाँ, अगर आप लेदर जैकेट पहनोगे तो आपको गले में स्कार्फ या मफलर लटकाने की जरूरत नहीं है. और टर्टल नेक टी शर्ट और स्वेटर भी डिजाइन और लिखावट प्रिंटेड वाले मिलते हैं, बट आप सिर्फ एक कलर वाला प्लेन लेना, तभी यह आउटफिट प्रीमियम लगेगा. पांचवी विंटर आउटफिट है एक ब्लैक टर्टल नेक टी शर्ट, उसके ऊपर एक ब्लैक बाइकर लेदर जैकेट या ब्लू डेनिम जैकेट और साथ में ब्लैक या ग्रे कलर का जीन्स और शूज में चेल्से बूट. और टर्टल नेक के बारे में एक और चीज आप जान लो कि टर्टल नेक बहुत सारे कलर्स में मिलते हैं, बट हमारे ऊपर जो कलर के टर्टल नेक टी शर्ट या स्वेटर अच्छे लगते हैं वो है ब्लैक, मरून, ऑलिव ग्रीन और कैमल कलर. बट इनमें से भी अगर आप सिर्फ एक ब्लैक टर्टल नेक टी शर्ट या स्वेटर खरीद लोगे तो वो काफी है. आप सिर्फ एक ब्लैक टर्टल नेक टी शर्ट और स्वेटर के साथ बहुत सारे आउटफिट्स कर सकते हो. सो अभी जो मैंने आपको पांच आउटफिट्स बताया, इन पांचों आउटफिट्स को आप
शादी, रिसेप्शन या किसी फॉर्मल ओकेशंस वगैरह में मत पहन के जाना, वरना आप बहुत ही नॉर्मल लगोगे। इन पांचों आउटफिट्स को आप सिर्फ पार्टीज वगैरह में या कहीं घूमने जाओगे या डेट पे जाओगे तब पहन के जाना, क्योंकि ये आउटफिट्स इन सब जगहों में काफी अट्रैक्टिव और क्लासी लगती है। सो अब जो मैं आपको बाकी के आउटफिट्स बताऊंगा उसे आप किसी भी शादी, रिसेप्शन या किसी भी फॉर्मल पार्टीज में पहन के जा सकते हो। सो छठी आउटफिट है एक ब्लैक टर्टलनेक टी शर्ट, उसके ऊपर एक ग्रे कलर का ब्लेजर और साथ में ब्लैक चीनो और शूज में ब्लैक कलर का चेल्सी बूट। रिसेप्शन पार्टीज और फॉर्मल पार्टीज के लिए यह आउटफिट काफी सही है और रिसेप्शन पार्टीज के लिए यह आउटफिट तो मेरा फेवरेट आउटफिट होता है। मैं 5 रिसेप्शन में 3 रिसेप्शन पार्टीज में यही आउटफिट करके जाता हूँ। बट इस आउटफिट में आप एक चीज का ध्यान रखना कि जब आप ऊपर से ब्लेजर पहनोगे तो उसके बटन को लगा के पहनना, और ब्लेजर में 2 या 3 बटन होते हैं, बट आप सिर्फ ऊपर के एक बटन को ही लगाना, क्योंकि एक बटन को ही लगाने से ब्लेजर दिखने में अट्रैक्टिव लगता है। सातवीं आउटफिट है एक ब्लैक फॉर्मल शर्ट, उसके ऊपर एक ग्रे कलर का वेस्ट कोट, साथ में ग्रे कलर का फॉर्मल पैंट और शूज में ब्राउन कलर का मॉन्ग स्ट्रैप फॉर्मल शू। ये आउटफिट में आप ये ध्यान रखना कि ब्लैक फॉर्मल शर्ट नॉर्मल वाला लेना, चमकदार शाइनी वाला मत लेना, वो दिखने में बहुत ही गंदा लगता है हमारे ऊपर। और वेस्ट कोट की जगह नेहरू जैकेट मत पहन लेना, बहुत से लड़के गलती से नेहरू जैकेट को वेस्ट कोट समझ के पहन लेते हैं, बट आप ऐसा मत करना। वेस्ट कोट और नेहरू जैकेट दोनों अलग अलग चीजें होती है, इसीलिए आप वेस्ट कोट को ही पहनना। आठवीं आउटफिट है एक ग्रे या नेवी ब्लू कलर का सूट। अब सूट के ऊपर मैं बहुत जल्द एक पूरा डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, बट अभी के लिए आप बस इतना जान लो कि जब भी आप सूट पहनना तो हमेशा फिटेड सूट पहनना, और अगर आप ग्रे कलर का सूट पहनोगे तो आप अंदर में ब्लैक कलर का राउंड नेक टी शर्ट या टर्टल नेक टी शर्ट पहनना, और अगर आप नेवी ब्लू कलर का सूट पहनोगे तो आप अंदर में व्हाइट कलर का टी शर्ट पहनना और शूज में व्हाइट शू। और सूट के साथ आप चाहो तो टी शर्ट की जगह एक प्लेन ब्लैक फॉर्मल शर्ट भी पहन सकते हो, बट अगर आप शर्ट पहनोगे तो उसके साथ व्हाइट शू मत पहनना, बल्कि एक ब्राउन कलर का मॉन्ग स्ट्रैप फॉर्मल शू पहनना। नाइन्थ आउटफिट है एक ब्लैक बंद गला और उसके साथ में एक ब्लैक कलर का चीनो और शूज में ब्राउन कलर का मॉन्ग स्ट्रैप फॉर्मल शू। बंद गला एक इंडियन ट्रेडिशनल एथेनिक क्लोथ है जो सदियों से लोग इसे पहनते आ रहे हैं, बट आज के टाइम में बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। बट बंद गला शादी, रिसेप्शन या फॉर्मल पार्टीज में काफी प्रीमियम लुक देता है, इसीलिए आपको बंद गला जरूर पहनना चाहिए। एंड फाइनली 10वीं आउटफिट है एक शेरवानी। अब शेरवानी को मैंने आखिरी में इसलिए रखा है क्योंकि शेरवानी काफी ओवर ड्रेसअप होता है, इसलिए आप इसे सिर्फ किसी के शादी में ही पहनना, पार्टीज या फॉर्मल पार्टीज या रिसेप्शन वगैरह में मत पहनना। और शेरवानी को शादी में पहन के जाने का मेरा मतलब है कि शेरवानी को आप सिर्फ अपने दोस्त की शादी या अपने फैमिली मेंबर की शादी या खुद के शादी में सिर्फ पहनना, इसके अलावा किसी के भी शादी में शेरवानी पहन के मत जाना, वरना वो ओवर हो जाएगा। और शेरवानी के साथ व्हाइट शू या फॉर्मल शू मत पहनना, बल्कि जूती पहनना। और शेरवानी ज्यादा डिजाइन या ज्यादा चमकदार या ज्यादा पैटर्न वाला मत पहनना, बल्कि प्लेन या हल्का पैटर्न वाला पहनना। तो ये थे वो 10 विंटर आउटफिट्स जिसे आप विंटर में पहन सकते हो। और भी बहुत सारे विंटर आउटफिट्स होते हैं, बट आज मैंने आपको 10 विंटर आउटफिट्स बताया जिसे पहन के आप शादी, पार्टी, रिसेप्शन या किसी फॉर्मल पार्टीज वगैरह में आप किसी मॉडल से कम नहीं लगोगे। और जो भी आउटफिट्स आज मैंने आपको बताया उन सभी कपड़ों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लिंक पे क्लिक कर उसे खरीद सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप डार्क स्किन या सावले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में घंटे को भी दबा देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दीपकशावऑफिशियल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो जिससे कि हर डार्क स्किन या सावले लड़कों की मदद हो सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए डार्क स्किन को अपनी कमजोरी नहीं उसे अपना ताकत बनाओ।